गाइस स्वागत है आपका टेक विद क्रिश चैनल पर। इस चैनल पे आपको लेटेस्ट टेक रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने एडसेंस अकाउंट में हम बैंक डिटेल्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो होने वाली है नॉलेज से भरपूर, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। गाइज अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम अपने चैनल पर कंप्लीट करना होगा। अब गाइज जैसे ही हम YouTube के इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद ही हमारी वीडियो पे एड्स रन करेंगी, जिसका पैसा हमें मिलेगा ना कि YouTube को मिलेगा। मतलब इसके बाद ही हम YouTube पर वीडियोस बना के पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमारे एडसेंस में $10 कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद हमें एडसेंस से एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हम अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस से जोड़ के यूट्यूब पर डाली गई वीडियो से पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर आपको यूट्यूब से पैसा चाहिए तो आपको एडसेंस में बैंक अकाउंट जोड़ना होता है। पर कई बार हम कोई नया बैंक अकाउंट बनाते हैं या फिर कई बार हम किसी और का बैंक अकाउंट डाल देते हैं, तो बाद में हमें बैंक अकाउंट चेंज करना होता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप एडसेंस पर अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये पूरा प्रोसेस काफी सिंपल है और इसे समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। अब दोस्तों आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें अपने एडसेंस को लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ मैंने अपना एडसेंस अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का नया पेज दिखेगा। तो ऊपर आपको टॉप लेफ्ट में 3 लाइनें दिखेंगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो पेमेंट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे सामने नया पेज शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया ऑप्शन लिखा है, हाउ यू गेट पेड। इसमें मैंने अपना बैंक अकाउंट डाला हुआ है। अब मुझे नया बैंक अकाउंट डालना है, मतलब मुझे बैंक अकाउंट चेंज करना है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं लिखा है मैनेज पेमेंट मेथड, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी डाला हुआ है, मुझे क्या करना है एक नया अकाउंट डालना है। तो मैं यहाँ रिमूव पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा रिमूव पे क्लिक करके अपना जो बैंक अकाउंट है उसे रिमूव कर दूंगा। तो अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरी जो अर्निंग है वो $0 है। तो अगर मैं यहां पे पेमेंट्स पे क्लिक करूंगा तो आप यहां पे देख सकेंगे कि ऐड पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होगा, मतलब मैं बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकता। तो मुझे वेट करना होगा कि जब तक यहां पे $100 यानी $100 से ऊपर अर्निंग नहीं होगी तब तक मैं यहां पे पेमेंट मेथड यानी बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकता। तो अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि पेमेंट मेरी आ चुकी है और $100 से ऊपर यहां पे शो कर रहा है। तो इसके बाद यहां पे मुझे हाउ यू गेट पेड ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन यहां पे दिख जाएगा, जिसमें मुझे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। और यहां पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि अकाउंट डिटेल्स डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसमें मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्विफ्ट BIC, ये एक स्विफ्ट कोड है जो हर बैंक का अलग अलग होता है। तो जो भी आपका बैंक है आपको अपनी ब्रांच में जाकर अपना स्विफ्ट कोड पता कर लेना है और यहाँ पर उस स्विफ्ट कोड को डाल देना है। इसके बाद जब आप अपनी सभी डिटेल्स डाल देंगे सिंपली आपको नीचे सेव पे क्लिक करना है और आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली एडसेंस में चेंज हो जाएगा। तो सेव करने के बाद कुछ इस प्रकार यहां पे शो होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि अपने एडसेंस पर हम अपनी बैंक डिटेल्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यूट्यूब को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलूंगा आपसे कल फिर मैं एक नई लेटेस्ट यूट्यूब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।